हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कैप्सिकम अनियन मसाला। कैप्सिकम अनियन मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 शिमला मिर्च चौकोर कटी हुई, 5 प्याज वो भी चौकोर कटे हुए, जो चौकोर कट सके उसे चौकोर काट लेंगे, बाकी के जो छोटे पीस रहेंगे वो हमारे ग्रेवी के लिए काम आ जाएंगे। शिमला मिर्च के बचे हुए छोटे टुकड़े, 1 इंच 4 से 5 छिली हुई अदरक, 7 से 8 कली लहसुन और 2 टमाटर कटे हुए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर हम उसमें अदरक लहसुन डालकर हल्का सा चलाएंगे, फिर उसमें छोटे प्याज के टुकड़े डालेंगे। उसमें हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि ये जल्दी गल जाए। हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसे कवर कर अच्छे से पकाएंगे। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि टमाटर गल ना जाए। हमारे टमाटर गल चुके हैं, अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। और इन्हें पीसने के लिए एक तरफ ठंडा होने के लिए रखेंगे। ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ठंडे हो रहे हैं, जितने हम एक पैन में 2 TSP ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर प्याज डालेंगे जो हमने पहले से चौकोर काट के रखे थे। इसमें हम शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और इन्हें हल्का सा सोते करेंगे। अब हम इन्हें साइड में रखेंगे। हमारे टमाटर प्याज भी ठंडे हो गए तो अब हम इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने पर हम उसमें जीरा डालेंगे, साथ ही उसमें हम 2 छोटी दालचीनी और 1 तेज पत्ता डालेंगे। अब इसमें हम टमाटर प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो हम इसमें कम ही डालेंगे। 1/2 TSP हल्दी, 1 TSP धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 TSP गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। जब इसमें बॉईल आने लगे तो हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। 10 मिनट बाद ये तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च जो हमने पहले से सोटे करके रखे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम
या फ्रेश मलाई या फिर दही, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो तैयार है हमारी कैप्सिकम अनियन मसाला। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।